ओके, सो आज शुरू करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। एक चीज मैंने वहां पे कम करा के दिया प्रॉब्लम को, दैट इज लिमिट ऑफ सम। तो तुम लोग उसको प्रैक्टिस करना, यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दैट। सो अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इसलिए शुरू करेंगे बिकॉज एज इट इज गोइंग ऑन इन द स्कूल, सो टुगेदर विद दैट इफ यू मूव इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू, राइट? सो आज शुरू करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये भी एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है? जैसे इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लग गया, ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा हमको, बट स्टिल देयर इज नो वे आउट, वी हैव टू डू इट, ठीक है? बहुत सारे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, हर एक मेथड कम से कम एक दिन ले लेता है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं कंटिन्यूटी का, सिर्फ कंटिन्यूटी का पहले डेफिनेशन लेते हैं। और सबसे पहले व्हाट इज कंटिन्यूटी, थोड़ा सा आइडिया यूं ही ले लेते हैं। कंटिन्यूटी नॉर्मली अगर तुम सुनना चाहते हो, मतलब क्या है? समथिंग वेयर ब्रेक इज नॉट देयर, राइट? इफ देयर इज नो ब्रेक देन इट इज कंटिन्यूटी। सो एकदम रफली अगर तुम बोलोगे एक ग्राफ कंटिन्यूअस है, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक, कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट? डोमेन में रहने वाले पॉइंट्स में ब्रेक नहीं होना चाहिए, देन वी वुड से दैट दिस कर्व इज और द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो नाउ प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू गो फॉर द एनालिटिकल डेफिनेशन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनसीईआरटी का बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट डेफिनेशन इज नॉट द एग्जैक्ट एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो काम चलाओ डेफिनेशन है, फिर भी एनी वे वी विल बी डूइंग दैट ओनली, कोई नहीं है, उसी से काम चलाएंगे। एक्चुअल डेफिनेशन बाद में मैं दूंगा, वैसे उस एक्चुअल डेफिनेशन का अभी राइट एट दिस मोमेंट कोई काम है भी नहीं। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला बात, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, सबसे पहला जो डिफरेंस डेफिनेशन आएगा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट आएगा, एक फंक्शन का कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहला पार्ट। लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन डिफाइंड इन ए सर्टेन डोमेन, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन डिफाइंड इन ए सर्टेन डोमेन, इसी एक सर्टेन डोमेन में सपोज एक एफ मैंने डिफाइन कर लिया, देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में रहने वाले किसी एक पॉइंट में इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एट सी मस्ट बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट सी मस्ट बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, अगर ये हो जाता है देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस। अब ध्यान से देखोगे, जब तुम लिमिट बोल देते हो कि इक्वल है लिमिट, लिमिट इक्वल होने से क्लास 11 का तुम याद करो बस, जब लिमिट तुम निकाले थे, दिस लिमिट इज हैविंग टू डिफरेंट अंडरलाइंग लिमिट्स, एक लेफ्ट हैंड लिमिट था और एक राइट हैंड लिमिट था, और जब तुमने बोल लिया ये लिमिट ऐसा है एग्जिस्ट कर गया है, मतलब बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर आल्सो इक्वल, सो इक्विवेलेंटली यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन एज वेल, मतलब दोनों लिमिट सेपरेटली इक्वल होना पड़ेगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। सो इन दैट केस वी वुड से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। प्लीज नोट इट डाउन, पहले हम सारे डेफिनेशंस को लेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर प्रॉब्लम्स।
है, लिखा हो गया होगा। सो आई गो फॉर द कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, सो हटा के अभी कंटिन्यूटी इन ए डोमेन, डोमेन में चले जाओ, राइट, कंटिन्यूटी इन ए डोमेन में चले जाओ, राइट right? तो क्या होगा, वो तो नंबर वन डेफिनेशन था। नेक्स्ट आएगा कंटिन्यूटी इन ए डोमेन, इन ए डोमेन मतलब इन डोमेन की ओर से, ए नहीं चाहिए, इन डोमेन, कंटिन्यूटी इन द डोमेन या फिर कोई एक गिवन सेट में। क्या करेंगे, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, राइट, एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, देन देन it is said to be continuous, simply continuous बोल देंगे हम लोग। एक पॉइंट में कंटिन्यूटी होने के लिए ये दिखाना है, और अगर सारे पॉइंट्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कंटिन्यूअस इन द डोमेन कंप्लीट। तो बाकी दूसरा वाला डेफिनेशन इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। सो दिस इज अ फंडामेंटल डेफिनेशन। ये तो हो गया कंटिन्यूटी इन डोमेन। इसके बाद आएगा कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे, कोई एक फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे इन क्लोज इंटरवल, हाउ टू डिफाइन कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, हम अभी इसको डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। तो लेट अस कंसीडर द क्लोज इंटरवेल ए टू बी, लेट अस कंसीडर अ क्लोज इंटरवेल ए टू बी, वेरी नाइस, देन ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन ए बी, क्लोज इंटरवेल ए बी, इफ, ध्यान से देखना इसमें कंडीशन आएगा, तीन कंडीशन आएगा, नंबर वन एफ इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होने का मतलब है ओपन इंटरवल में हर एक पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा, और ओपन इंटरवल का मतलब है ए एंड बी विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो फिर ए बी का क्या होगा, ध्यान से देखो अभी, बिफोर यू राइट प्लीज नोटिस दिस, जब क्लोज इंटरवल का बात किया तो दीज एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, तो तुम्हारा पूरा फंक्शंस का कंटिन्यूटी चेक करना है इसके अंदर, मतलब साफ है दैट देयर इज नथिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, देयर इज नथिंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ बी, भले ही डोमेन में उसका वो हो लेकिन कंटिन्यूटी जब डिस्कस इसमें कर रहे हैं तो बी का राइट साइड में कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है ए का, तो इसलिए जब ए में कंटिन्यूटी दिखाएंगे तो राइट हैंड लिमिट का काम आएगा, लेफ्ट का कोई काम नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, ए में राइट हैंड लिमिट इक्वल होना पड़ेगा फंक्शनल वैल्यू का, एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल, सॉरी राइट साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना पड़ेगा। सो इफ दिस थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। प्लीज नोट डाउन दिस एंड गो थ्रू दिस थिंग्स फॉर वन मिनट एंड जस्ट सी तीनों डेफिनेशन को कंपेयर करके देखो इसमें कुछ ऐसा है क्या जो तुमको पूछना पड़े।
all the three definitions you go through, please. हो गया, लिख लिया? मैं हटा दूं सबको? I'll close this. ठीक है, अब एक सुंदर सा नोट लिखो. नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है. वेरी इंपॉर्टेंट नोट यू हैव टू राइट. फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. Following functions are always continuous. मतलब ये जो नीचे लिखेंगे ये functions हमेशा continuous होगा and we can refer to their continuity directly. Number one, all polynomial functions. दुनिया भर में जितना सारा पॉलिनोमियल फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूअस होगा. नंबर टू, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. ग्राफ देखने से पता चलेगा तुमको, मॉडुलस ऐसे करके वी होता है, राइट? आइडेंटिटी फंक्शन, constant function, right? Then all trigonometric function, exponential function, e to the power x, that means e to the power x, and then logarithmic function. ये जो सेवन कैटेगरी का फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही. इसके लिए हमें दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है. प्लीज नोट डाउन दिस लिस्ट बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस. लिख लिया शायद? Yes, sir. Okay, I'll remove this. Now, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? Algebra of continuity बोल के कुछ rules है. That will write. हम लोग कोई कोई formula भी बोलता है, but it is called algebra of continuity. Algebra of continuity. Algebra of continuity is very important part. तो इसमें क्या है? Let f1 and f2 be two functions continuous at x equal to c in domain. Right? In domain. एक पॉइंट c में दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है डोमेन का. Then, so are, मतलब ये कंटिन्यूअस होने से f1 प्लस f2 भी होगा, f1 माइनस f2, f1 f2, f1 डिवाइडेड बाय f2, हाँ, प्रोवाइडेड f2 x इज नॉन जीरो. ये भी ध्यान देना है, राइट? f2 x इज नॉन जीरो एंड c f1 है. दो फंक्शन कंटिन्यूअस होने से उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका डिविजन्स, और उनका प्रोडक्ट कोई एक कांस्टेंट से लेके, ये सारे कंटिन्यूअस होता है. सो दिस विल बी यूज. ठीक है, ओके. अब हम धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे.
राइट, सबका प्रॉब्लम्स करेंगे, बढ़िया से करेंगे, खत्म करते हैं इसको। बुक का क्वेश्चंस भी लेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं ले रहे, उसी का क्वेश्चंस मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो क्वेश्चंस लिख भी लो इमीडिएटली करो। क्वेश्चन नंबर वन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई सिक्स प्लस थ्री एट एक्स इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन में इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करो, ध्यान देना, एक पॉइंट वाला कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब सबसे पहला डेफिनेशन एक बात तो क्लियर है, मैंने ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया तो ये तो कंटिन्यूअस है ही, बट ये दिखाने दिया है तो हमको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, बढ़िया। तो नाउ देखो, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का चक्कर नहीं आएगा क्योंकि एक ही पार्ट है फंक्शन में, तो डायरेक्टली लिमिट निकालो, लिमिट कितना होगा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एफ एक्स, डायरेक्टली बेटा तो वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री सिक्स हो गया, ऑल्सो एफ ऑफ वन निकालो ये भी सिक्स होगा, सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, देयरफॉर ये जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है fx that is equal to what, f of 1, therefore f is continuous at x equal to 1। तो हमने लिमिट को निकाला, हमने फंक्शनल वैल्यू को निकाला, देख लिया इक्वल है, सो कंटिन्यूअस, एक पॉइंट का कंटिन्यूटी, ठीक है। अब तुम लोगों को लगेगा कि कंटिन्यूटी एक पॉइंट का तो कर लिया, लेकिन लेदर लिमिट रेडियल लिमिट तो नहीं किया, अरे भाई इसमें चाहिए नहीं क्योंकि एक ही पार्ट है फंक्शन का, अब लेदर लिमिट रेडियल लिमिट वाला भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, जस्ट मेक ए चेंज हियर, क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, फंक्शन क्या लिखेंगे देखो, एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस वन, इफ एक्स इज greater than zero, x is greater than zero, and minus one, only minus one, if x is less than or equal to zero, and they are asking you to check the continuity at x equal to zero. Question को मैं modify कर दिया, question को लिख दिया, f x equal to x square minus one. If x is less greater than zero, minus one if x is less than or equal to zero, तो इसका continuity check करना है at x equal to zero, ठीक है? तो सबसे पहले कहानी देखो, सबसे पहला कहानी, the very first important कहानी क्या है? बहुत बड़े कहानी है, क्योंकि ये piecewise function है, piecewise बोले तो एक number line में जब देखोगे ये नंबर लाइन में डोमेन को टूटा दिया, कहां टूटा दिया, जीरो में टूटा दिया, जीरो का लेफ्ट साइड में कुछ और है, राइट साइड में कुछ और है, पहले डिफाइन कर लो, ये फिगर तुम चाहो तो मेन पार्ट में भी ड्रॉ करो, नहीं तो बाहर फेंक के ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ड्रॉ जरूर करना, गलत ना हो। लेफ्ट वाले साइड में मतलब लेस देन और इक्वल टू जीरो में एफ एक्स का कितना वैल्यू डाला है तुमने, माइनस वन, राइट वाले साइड में कितना डाला है, x स्क्वायर माइनस वन, और जीरो में कितना डाला है, जीरो में भैया यही वैल्यू है माइनस वन का, क्योंकि जीरो यहां पे इंक्लूड है, अगर यहां इंक्लूड होता तो ये वाला लेता, बस कहानी क्लियर है। अभी अब तुम सबसे पहले देखो कहानी को, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में तुमको कंटिन्यूटी कौन सा पॉइंट में पूछा है, जीरो में। अब जीरो एक ऐसा पॉइंट है डोमेन में जो पूरे डोमेन को दो हिस्सों में काट देता है, मतलब ये बॉर्डरलाइन पॉइंट है, डिस्प्यूटेड पॉइंट। अभी तो फिलहाल लद्दाख में चल ही रहा है गोलीबारी मारकाट, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया, ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है। जब तुम इस पॉइंट में खड़ा हो जाते हो, ध्यान से सुनना बात को, मेमोरी 8K जैसा काम करेगा,
मतलब कहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है और कहाँ नहीं निकालना है ये पता चल जाएगा। तुम इस पॉइंट में खड़ा है, थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाओ, इसके इलाके में घुस जाओगे, थोड़ा सा उधर चले जाओ, उसके इलाके में घुस जाओगे। मतलब तुम एक ऐसा क्रिटिकल जगह पे पहुंचे गया जहां लेफ्ट साइड जाने से एक साइड एक कोई दूसरा फंक्शन, राइट साइड जाने से दूसरा डेफिनेशन, मतलब दोनों ही साइड में अलग अलग, थोड़ा हिलने से भी। इन दैट केस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जरूरी है। सो इस फंक्शन में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। इसका क्या कहानी है, x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, मतलब मैं x के ओर जा रहा हूं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से जीरो तक मैं जा रहा हूं, तो मुझे कौन मिलेगा, fx मतलब माइनस वन मिलेगा। तो यहां पे fx का क्या वैल्यू पुट करेगा, माइनस वन, तो वैल्यू आ गया सी माइनस वन, कहानी खत्म। राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट, fx करके आ रहे हो उस साइड से, ऐसे करके कौन मिलेगा, x स्क्वायर माइनस वन। तो fx के जगह में x स्क्वायर माइनस वन बैठेगा लड्डू बैठाने का और माइनस वन मिलने का। तो तुमने एक बात देख लिया, LHL इक्वल टू RHL, therefore लिमिट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, कहानी को ध्यान से देखना। मैंने लिमिट एग्जिस्ट का बात यूं ही नहीं लिखा, क्योंकि अगर बाई चांस किसी एक स्टेप में लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं तो तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं है, कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। मैं कुछ फिगर भी बना के दिखाऊंगा ये पढ़ा के, जब फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, लेकिन कंटिन्यूअस अगर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट दिखाना है, तब जाके एफ ऑफ जीरो दिखाना है। तो मैंने दो पार्ट दिखा दिया जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर गया, अब बाकी रह गया है एफ ऑफ जीरो का। बहुत लोग एफ ऑफ जीरो दिखाना भूल जाते हैं, इसी में कंटिन्यूटी मार देते हैं, लड्डू है मगर ध्यान देना। ऑल्सो एफ ऑफ जीरो डायरेक्टली माइनस वन है, आप सबको कंपेयर करो, कंपेयर करके पता चल जाएगा कि तुम जो लिमिट निकाला है एफ एक्स का दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, बस यही तो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का, यही तो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का। लिखो अभी क्या लिखोगे, देयरफॉर f is continuous at x equal to zero, अगर लिमिट नहीं मिलेगा तो not continuous। This is yours, please note down। और करेंगे ऐसा क्वेश्चन, so that जितना सारा क्वेश्चन है बुक का तुम लोग आराम से अपने से कर पाओ। हटा दिया, पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx equals x square plus 1 if x is not equal to 1 and 1 if x equal to minus 1, ठीक है, कोई बात नहीं। f of x equal to x square plus 1 if x is not equal to minus 1 and 1 if x is equal to minus 1, कौन सा पॉइंट में चेक करने के लिए बोलूं, at x equal to माइनस वन में चेक करो,
दो केसेस देते हैं, एक ए में और एक करो x इक्वल टू जीरो में। ध्यान देने का, पूरा पूरा ध्यान देने का। इसको हटा देते हैं। तो क्या बोला था, कुछ एक बोला था, क्या बोला था कि जब भी तुमको एक फंक्शन मिले जो टूटा फूटा फंक्शन है, मतलब पीस वाइज फंक्शन है, उसको ग्राफ में बनाओ। ग्राफ इन द सेंस ये इसमें नंबर लाइन में, डोमेन कहां पे टूटा है, माइनस वन में। माइनस वन में खड़ा रह के लेफ्ट साइड में देखो भैया, मतलब लेस देन में क्या मिलेगा भाई, लेस देन मतलब नॉट इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलेगा। बहुत बढ़िया। जब राइट साइड में देखोगे क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू वन, मतलब ये मिलेगा। और एट एक्स इक्वल टू वन खड़ा रह के देखोगे तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। क्या फिगर समझ में आया? यस सर। ओके निकिता एंड सुभांगी। यस सर। ओके तो ये जब बन गया, आप केसेस डिस्कस करके करना पड़ेगा क्योंकि दो बार दिया है, ए में दिया है एक्स इक्वल टू माइनस वन में। सो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कंटिन्यूटी माइनस वन में। बस माइनस वन में कौन सा पॉइंट है माइनस वन, वो देखो डिस्प्यूटेड पॉइंट है। हमेशा डिस्प्यूटेड पॉइंट में जाने से तुमको सिक्योरिटी लेके जाना पड़ेगा। तो ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है, तुम माइनस वन में खड़ा है, लेफ्ट में जाओगे अलग मिलेगा, राइट में जाओगे अलग मिलेगा। मिलेगा क्या, क्या अलग अलग मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। दोनों ही एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों ही एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो क्या मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है? नहीं निकालना है। जब दोनों साइड इक्वल हो ही गया तो फिर क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट नहीं निकालो ना, माइनस वन है। तो व्हाट विल गेट हियर एज, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, वैल्यू को पुट करोगे तो अल्टीमेटली टू आएगा। कहानी का समाप्ति हुआ। अब ऑल्सो एफ ऑफ माइनस वन निकालियो भाई, कहां मिले हो, कहां मिले हो, माइनस वन में वन मिले हो, क्या दोनों इक्वल हुआ? बट या फिर डज, तुमने लिमिट निकाला, लिमिट का वैल्यू तो एग्जिस्ट कर गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है कि ये एफ ऑफ माइनस वन का इक्वल नहीं है। तो फिर क्या कंक्लूजन है, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। कहानी को देख लिया, समझ लो। समझ लो समझ लिया कहानी को, डिग भी लिया हमने, समझ भी लिया। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, B में एट एक्स इक्वल टू जीरो में निकाल ले दिया है, अच्छा एक्स इक्वल टू जीरो कहां मिलेगा भैया, इधर मिलेगा। अब अपने आप को पूछो, जीरो में खड़ा होके तुम अगर लेफ्ट साइड से जाओगे तो किस फंक्शन से मिलोगे, मतलब कौन सा डेफिनेशन से मिलोगे, राइट में जाओगे तो कौन सा डेफिनेशन से मिलेगा? अगर अलग है तो लेफ्ट एंड राइट एंड लिमिट निकालना है, लेकिन यहां तो बढ़िया है, लेफ्ट साइड भी जाने से एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट साइड में भी, क्योंकि
ये पूरा इलाका किसका है? एफएक्स का है। और जब लिमिट का बात करेंगे तो ये मत बोलना सर मैं बहुत दूर तक जाना चाहता हूं, लिमिट में दूर जाने का अलाउड नहीं है, हल्का सा लेफ्ट हल्का सा राइट। तो इसमें लेफ्टन लिमिट और राइटन लिमिट का जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि पिछले बार भी आगे वाले पार्ट में भी मैंने लेफ्टन लिमिट और राइटन लिमिट नहीं लिया, नहीं इसलिए लिया क्योंकि दोनों का डेफिनेशन सेम है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा अलग अलग भी हो सकता है, राइट? सो ये हो गया। आप कितना होगा? 0 स्क्वायर प्लस 1 मिला 1, बहुत बढ़िया। आप क्या निकालोगे? f(0) निकालो, f(0) कौन सा पार्ट में आएगा बोल सकते हो क्या? x square plus 1 में आएगा, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या था? x नॉट इक्वल टू माइनस वन, इक्वल टू माइनस होने से नीचे, नॉट इक्वल टू माइनस वन होने से ऊपर। 0 माइनस 1 का इक्वल है या नॉट इक्वल है? नॉट इक्वल है, तो ऊपर वाला कंडीशन आएगा 0 square plus 1। कटो होलेन 1 होलेन, क्या लिमिट हमको इक्वल मिल गया? जरूर मिल गया। तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा? f is continuous at x equal to लड्डू। कहानी का समाप्ति हुआ। 15 सेकंड का टाइम है, अभी तक जितना भी पढ़ा है एक बार देख लो। जस्ट गेट बैक इन 15 सेकंड्स, तब तक मैं एक ग्लास पानी पी के आता हूं। हो गया। अब तो मुझे लगता है मैं इसको हटा सकता हूं। I think I can remove this. मैंने रिमूव कर दिया। बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो, राइट? थोड़ा सा गड़बड़ हो, इसी टाइप का है, गड़बड़ हो लेकिन क्वेश्चन का डेविएशन को देखना, ठीक है? इससे हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं। कहानी घूम फिर के सेम है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, राइट? जैसे तुम्हारा एड्रेस पूछने का, तुमको एड्रेस पूछने का तरीका बहुत सारा मेरा है। मैं तुमको डायरेक्टली पूछ सकता हूं, Where do you stay? Address. मैं तुमको पूछ सकता हूं कि तुम लोग कहां रहते हो, हिंदी में पूछा या फिर अलग तरीके से पूछा। I can ask you what is your address, right? What is your postal address? Can you tell me some places near your place? Where do you stay? कहानी सब सेम ही है, मैं इनडायरेक्टली तुम्हारा घर का पता ही पूछ रहा हूं, लेकिन कहानी अलग अलग तरीके से। जैसे आजकल फ्रॉड में पूछते हैं, एटीएम कार्ड का फोन आ जाता है, सर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, एक ओटीपी जाएगा, बोलिए हम खोल लेंगे इसको, बुर्बक होने से ओटीपी दे देगा और खोलेगा क्या, पैसा सब निकल जाएगा। अब अगर वही कोई डायरेक्ट पहले डायरेक्ट में बोला जाता था, अभी जब इंसान थोड़ा सा डरा था, ये तरीका पता नहीं था ठगने का, तो पहले क्या करता था, डायरेक्टली बोलता है आपका कार्ड में एक ओटीपी जाएगा, वो हमको दे दीजिए, देने से आपका अमाउंट इतना घुसेगा अकाउंट में, बस लालच में दे दिया। अब बाद में पता चला ओटीपी डायरेक्ट मांगने से देगा नहीं, तो मॉडिफाई किया, आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। बस अभी तो और भी अजीब अजीब है,
अभी क्या करेगा, दूसरा एक साइट में रजिस्टर करो, वहां से वो लोग डाटा रिट्रीव करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगा। ठीक है, बहुत सारे तरीका आ गया। तो ये भी तरीका है कंटिन्यूटी को तुम्हारा दिमाग में उल्टा सीधा प्लेस करने का। आगे वाला क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट था, आप कैसे पूछते देखो। डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफएक्स discuss the continuity of the function fx equal to mod of x by x when x is not equal to 0, 1 when x equal to 0. Just discuss. इस बार कोई पॉइंट नहीं दिया है, मतलब कहानी इतना छोटा नहीं इतना बड़ा है। डिस्कस करने दिया है मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा जितना है सब निकल के बताओ, ये कहां कंटिन्यूअस है, ये कहां कंटिन्यूअस नहीं है, सब बताओ। पिछले वाले में बस एक पॉइंट दिया था, आप बहुत सारे पॉइंट्स दिए, दो मिनट में तो इनफिनिट पॉइंट है। तो ये सेकंड वाला डेफिनेशन का है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मतलब स्टेज वाइज करेंगे। विल ट्राई टू सी एट व्हाट पॉइंट इन द डोमेन इट विल बी कंटिन्यूअस and at what point it will not be continuous. और last में हम लोग इसका conclusion देंगे कि भाई इस point में continuous है, इसमें नहीं है। बस ये है तुम्हारा proceedings। लेकिन सबसे बड़ा बात तो ये है कि तुम करोगे कैसे इसको। करने के लिए अगर ये ऐसा टूटा फूटा function है, इस wise function है, तो पहले इसका क्या करोगे, graph तैयार करो। graph मतलब number line में, domain में। तो भाई डोमेन ये रियल नंबर लाइन, किसने डोमेन को टूटाया, जीरो ने। खड़ा होके लेफ्ट साइड में देखो, मतलब नॉट इक्वल वाला पार्ट मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, राइट साइड में देखो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, और इसमें क्या दिया वैल्यू, वन दिया। क्या यहां तक कहानी समझ में आ गया? आया, बढ़िया। ओ निकिता ने बढ़िया दिखाया, ऐसे दिखाने से मजा आता है, ऐसे एक हाथ दिखाया टुक टुक करके ऐसे दिखाया, बढ़िया है। चलो ये भी एक अच्छा आइडिया है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों साइड में फंक्शन सेम है, इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना नहीं है। क्या दोनों साइड में फंक्शन सेम है, दिखता है सेम? तीनों को क्वेश्चन अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा है या नहीं। सेम है, सेम है। निकिता जी, सेम। शुभांगी जी, शुभांगी जी नहीं है, है? नहीं है, सेम नहीं है। हाँ। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि नीचे वाला अगर मतलब x not equals to zero है, अगर एक साइड में हम लोग नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव आएगा वैल्यू, और एक राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ये एक गुगली प्रॉब्लम है, गुगली। उस दिन मैं एक स्टोरी बता देता हूँ दो मिनट में, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। उस दिन मैंने बाजार गया था, लालच में आके आम खरीद के लाया, बाहर से इतना बढ़िया देखने में ऐसा लगा जैसे इससे मीठा और दुनिया में कोई आम होगा ही नहीं। घर में आके काटने के लिए दिया, उसका क्या खाना पड़ा मालूम है, चटनी बना के खाना पड़ा, क्योंकि इतना खट्टा है। मतलब यही बोलना चाहता हूं
दो आम अगर मैं हाथ में रखता हूं, दिखने से बाहर से सेम लग सकता है, लेकिन दोनों का टेस्ट अंदर से बिल्कुल ही अलग हो सकता है। ये उसी का एक नमूना है। देखने के लिए तो ये सेम है, लेकिन अंदर कहानी अलग है, इसीलिए इसको एनालाइज करो। एनालाइज करो, याद करियो, मॉडुलस फंक्शन वाज डिफाइंड लाइक दिस। जब ग्रेटर देन होता था एक्स लिखते थे, जब लड्डू होता था लड्डू लिखते थे, और जब निगेटिव होता था माइनस एक एक्स लिखा करते थे। भैया आप ध्यान दो कहानी में, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये साइड निगेटिव का है तो मॉडुलस एक्स मतलब कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा ना। काट कूट के वैल्यू कितना होएगा, माइनस वन होएगा लेफ्ट साइड में, प्लस साइड में कितना होएगा, वन होएगा। क्या दोनों बराबर होएगा, होएगा होएगा, ठीक है। मतलब क्या है, दोनों बराबर नहीं होएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने का, तो निकालो। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा नाउ एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें पहले मुझे कहानी बोलना पड़ेगा। जब भी कोई तुमको ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें डिस्कस द कंटिन्यूटी बोले, तो ऑब्वियसली हमेशा हमें पहले उन सारे पॉइंट्स का निपटाना है जिस पॉइंट्स में डिस्प्यूट आ सकता है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल लद्दाख में डिस्प्यूट है, तो सारे सिचुएशन को छोड़ के लद्दाख वाला निपटाना है, नहीं तो क्या होगा, हम यहाँ को तो मरेंगे ही, उससे पहले चाइना आके मर के जाए, पहले चाइना से तो प्रोटेक्ट ले, प्रोटेक्शन ले। कहानी इस टाइप का है। तो यहाँ डिस्प्यूटेड पॉइंट कौन सा है, जीरो है, तो पहले जीरो में चेक करोगे कंटिन्यूटी, क्योंकि कुछ अगर गड़बड़ होने वाला है, बी वेरी अलर्ट, कुछ अगर गड़बड़ होने वाला है इस फंक्शन के लिए, तो जीरो ही एक पॉइंट है जिसमें गड़बड़ होगा, बाकी पॉइंट में गड़बड़ नहीं होगा। समझ में आ गया? तो मैं पहले जीरो में देखूंगा कंटिन्यूअस है या नहीं, एट एक्स इक्वल टू जीरो, बस इस बार क्योंकि मैंने फिगर में पूरा क्लियर करके दिया है माइनस वन आएगा, सो डायरेक्टली एफएक्स का वैल्यू में ज्यादा कुछ बकवास नहीं करूंगा, माइनस वन लिख देता हूं। तो इसलिए फिगर को रफ में बनाना नहीं है, वो दिखा देना तुम, तब आसान होता है। यू गॉट राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट दैट एंड राइट हैंड लिमिट व्हाट हो बीन, राइट ठीक है, इसमें और बोलने का नहीं है, मुंह से साइलेंट रहने का और वन लिखने का, ठीक है। अब देखो भैया कहानी का ट्विस्ट तुमने क्लियरली दिखा दिया, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तुमने क्लियरली दिखा दिया। तो तुमने ये भी क्लियरली लिख दिया कि एट दिस पॉइंट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये तुमने दिखा दिया। अरे भाई जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कंटिन्यूटी कहेगा, लिमिट एग्जिस्ट करने से ना एफ जीरो या एफ वो निकालेंगे, तो लिख दो डायरेक्ट। देयरफोर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब बाकी पॉइंट्स में आओ, मैं नंबर लाइन को अभी इसलिए रखा हूं, तुमने पूरे कंटिन्यूटी को डिस्कस नहीं किया, बस एक पॉइंट को लिया। बहुत सारे इंसान क्या करता है, इसी पॉइंट को डिस्कस करके छोड़ देता है, भैया ये इसी पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है, बाकी में कंटिन्यूअस है, भाई सपना आया है बाकी में कंटिन्यूअस है बोल के, उनको बोलना तो पड़ेगा क्यों कंटिन्यूअस नहीं है या कंटिन्यूअस है। तो बाकी पॉइंट्स कहां कहां होगा ध्यान देना, बाकी पॉइंट्स या तो राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है, बाकी पॉइंट्स या तो राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है, किसका, जीरो का।
अच्छा अब मेटिकुलसली देखो, अगर पॉइंट्स तुमने राइट साइड से उठा लिया तो किस फंक्शन से मुलाकात हो रहा है तुम्हारा, फंक्शन का कौन सा पार्ट से मुलाकात हो रहा है? fx इक्वल टू 1 से मुलाकात हो रहा है, क्या समझ में आया? तुम अगर 0 का राइट साइड में चल दिए तो फंक्शन का कौन सा हिस्से से मिल रहे हो तुम? fx इक्वल टू 1 से। अच्छा 1 क्या है? कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और हमने एक बड़ा सा लिस्ट बनाया था, याद करो क्या उसमें कॉन्स्टेंट फंक्शन का नाम था? एक बार देखो, पेज उल्टा के देख लो, उसमें कॉन्स्टेंट फंक्शन का नाम था। मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन मिलेगा तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो राइट साइड में जाते ही तुम कॉन्स्टेंट फंक्शन से मिलते हो, कंटिन्यूअस है। लेफ्ट साइड में आ जाओ, माइनस वन से मिलोगे, फिर माइनस वन भी कंटिन्यूअस होगा, सॉरी माइनस वन भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो फिर इसमें भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब यही देखा गया कि जीरो को छोड़ के बाकी राइट में चलो या लेफ्ट में चलो, जहां भी चलो कंटिन्यूटी मिलेगा बस। लेकिन इसको लिखना है, कैसे लिखोगे? स्टाइल देखो, कैसे लिखोगे? स्टाइल देखो। ऑल्सो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि मैंने जीरो में कर चुका तो अभी ग्रेटर देन जीरो का बात कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू वन एन फॉर एक्स इज लेस देन जीरो एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन। दोनों एक साथ इसलिए लिखे क्योंकि दोनों का कैरेक्टर सेम है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। सो व्हिच आर बोथ कॉन्स्टेंट फंक्शंस, देयरफॉर दे आर कंटिन्यूअस। राइट, कहानी क्लियर है? तो तुमने डोमेन का सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला और डिस्प्यूटेड जीरो, राइट? तो जब तुमने इसको कर लिया, अब तुम एट ए स्टेज में हो जहां तुम आराम से कंक्लूजन लिखोगे। व्हाट विल बी योर कंक्लूजन नाउ? बोलो तुम लोग अपना हिसाब से क्या कंक्लूजन लेना चाहते हो इस फंक्शन को, ये फंक्शन को डिस्कस करने के लिए बोला है। मतलब अभी तुमको एक राय पेश करना है कि ये फंक्शन वैसा है, ये फंक्शन वैसा है, क्या राय पेश करो? आस्किंग यू द क्वेश्चंस, वेटिंग फॉर आंसर्स। दिस फंक्शन इज ओनली डिसकंटिन्यूअस एट जीरो। Very nice. But continuous for all others. बढ़िया, ठीक है। बाकी निकिता एंड शुभांगी कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो? ये करेक्ट बोला है, गलत नहीं बोला है, इट्स वेरी करेक्ट। थोड़ा सुंदर करके बोलने का और तरीका है। Anyone wants to modify? ठीक है, चलो हम बोल देते हैं, सुंदर से बोलेंगे हम लोग, थोड़ा स्टाइल मार के बोलेंगे, यही बात बोलेंगे जो संदीप ने बोला है। दिस इज करेक्ट। सो आई कैन राइट दस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। बस हो गया। ये कैसा है मालूम है? मान लो डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया और इसको एक भयंकर बीमारी हुआ है। अब डॉक्टर खुद से ही अगर बोलेगा तेरा ये हुआ है, तू मरने वाला है, तो क्या होगा? डॉक्टर क्या करेगा? पहले बहुत मीठा मीठा, नहीं आपका डायग्नोसिस किया, ऐसा कोई खास नहीं है, वैसा नहीं है, लास्ट में धीरे से बोलेगा लेकिन आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसका आपको जरूर ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो मर जाओगे। ये उस टाइप का डेफिनेशन है। पहले दुनिया भर का पॉजिटिव बात बोला, लास्ट में धीरे से बोल गया ये कंटिन्यूअस नहीं है, कहां पे? जीरो में। बस हो गया कहानी, ठीक है। क्या अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम लगा जो तुमको समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया है तो पूछो।
सबको सब समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एंड टुडे दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। और मुझे पता है ये क्वेश्चन करके देने के बाद तुम लोग पहला वाला एक्सरसाइज का मोर देन 75% प्रॉब्लम खुद कर पाओगे, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इंक्लूड कर दिया कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। बस कहीं दो तीन प्रॉब्लम में अटक जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नेक्स्ट डे में हम खलास कर देगा। तो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज क्लास, स्ट्रक्चर देखो, वी आर गोइंग टू चेंज इट। लेकिन याद रखना कहानी वही है, सरा हुआ कहानी, राइट। बस हम दूसरे तरीके से दूसरे लैंग्वेज में पेश कर रहे हैं। इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस? क्या नीचे वाले जो देंगे फंक्शन वो कंटिन्यूअस होगा? तो लिखते फंक्शन क्या है, लिख लेते हैं, हम फंक्शन क्या है इसको लिखते हैं। x प्लस वन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, एंड दिस इज लिखेंगे भैया, थोड़ा सोच के लिखा कहीं नहीं, सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सोचेंगे। ऊपर में जितना सारा क्वेश्चन हमने किया उसमें ये साफ साफ बोला गया चेक द कंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया उसमें बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी, मतलब हमें बोलना है कंटिन्यूटी है कहाँ, कंटिन्यूटी नहीं है कहाँ। अब लास्ट में पूछा है भाई क्या ये कंटिन्यूअस है, मतलब यही दिखना है कि क्या कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलता है तुमको। अगर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और अगर कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलता है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तरीका वही है, तुमको वही चेक करना। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, कभी भी अगर डिसकंटिन्यूटी या डिस्कस द कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करना है, सबसे पहला टारगेट तुम्हारा होता है डिस्प्यूटेड पॉइंट, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी होने का चांस है तो सिर्फ डिस्प्यूटेड पॉइंट में ही होगा। तो पहले इसको देखो, इसमें कंटिन्यूअस तो भाई बाकी निकल जाएगा, इसमें डिसकंटिन्यूअस तो रुक जाओ, आगे बढ़ने का ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होगा तो यहां पहले जैसा फिर एक नंबर लाइन बनाने का, माइनस टू सॉरी टू को इधर रखने का, टू में खड़ा होने का, वो के लेफ्ट में देखने का, कौन नजर आएगा? टू का लेफ्ट में नजर आएगा x माइनस वन, टू का राइट में नजर आएगा x प्लस वन। पास हो गया, दोनों कहानी अलग अलग है, डिस्प्यूटेड पॉइंट में सेपरेटली निकालना क्या है, तो लिखोगे नाउ। अच्छा ऊपर हेडिंग लेना एट x इक्वल टू टू, एल इच है, दिस इज टू माइनस, What will we get here? E minus one. This is x minus one. What will you put here? Two minus one, giving me one. Fine. Then what is the other value? We'll be getting this as two plus fx. Let me put the value of fx. What function part is used here? एक्स प्लस वन, वैल्यू को बैठा ही दो भाई, क्या मिले हो? थ्री मिले हो, तो फिर क्या आएगा? एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयरफोर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू। एनडीए का ट्रेनिंग के बारे में सोचा है कभी? एनडीए में क्या होता है मालूम है? तीन चार टेस्ट होता है, पहले रिटेन, फिर ओरल, उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल में भी चार पांच पार्ट होता है। मान लो मेडिकल में फाइव टेस्ट है, फाइव में से पहला टेस्ट में ही निकल गया एक आदमी, तुमको क्या लगता है बाकी टेस्ट देने देगा नहीं देगा?
तो इसका भी कहानी ऐसे है, मुझे कंटिन्यूअस है या नहीं पूछ रहा था भाई, पहले केस में ही डिसकंटिन्यूअस मिला, तो तुमको क्या लगता है बाकी टेस्ट मेरे को करना है हेंगा करना है? तो यहां से कंक्लूड कर दो ना, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस एट टू नहीं लिखना है, वो तो लिख ही चुका हूं, कंक्लूजन इसी हिसाब से लिखना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं पूछा है भाई, कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ब्रेक आएगा ना, तो योर कंक्लूजन विल बी व्हाट, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू, कंक्लूजन अपने से लिखो। और मैं चौक अपना रख दिया हूं, अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो विद इन 2-3 मिनट्स मैं लाइन को काटने वाला हूं। लिख लिया, कुछ पूछना है का? नहीं है, ठीक है, तो फिर हम आज के लिए अलविदा करते हैं, See you on the next day. तब तक तुम लोगों का यही काम है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया, बहुत जल्दी मैं तुम लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूं, खुशखबरी ये है, आप सब लोग अनम्यूट वर्जन में आ जाओ। अच्छा, अब तुम लोगों से मैं राय लेता हूं कि कौन सा चैप्टर का टेस्ट मैं लूंगा, अभी अगर बोल पाओ तो बढ़िया है, नहीं बोल पाओ तो व्हाट्सएप में मुझे बोल देना, लेकिन मैं टेस्ट कम से कम 2 चैप्टर में लूंगा, 1 नहीं 2 में, और ऑफ कोर्स क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस, तो तुम लोग डिस्कस करो, अगर अभी बोलोगे तो भी ठीक है, नहीं बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू प्लीज मैसेज मी बाई टुमारो व्हाट chapters you would like to get tested. समझ में आ गया, ऑनलाइन टेस्ट होगा, लेट्स टेक द मजा ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एज वेल, ठीक है, मेरे ओर से है, ये स्कूल का नहीं है, ठीक है, सो बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय सर, ओके बाय।